सवाले ओ मेरे साईं सफ़र था हमारा कोई स्पेशल जगह। 9 बजे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक बस या गाड़ी या ट्रेन कुछ पकड़ने की जिसमें हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमें मिल चुका है स्लीपर और यहाँ पे मैं और तिलक भाई हम दो लोग कहीं जा रहे हैं और देखते हैं ऊबर वाले की मेहर कैसी रहती है हमारे पे। और तो गाइस यहाँ एक्चुअली ना हमारे पास ये फ़ोन से हमने लाइट जगाई है और ये है स्लीपर, ये हमारा पर्सनल कैबिन है। पर्सनल कैबिन हमें दे दिया और साथ में ये चार्जिंग पॉइंट जिससे हम लोग फ़ोन वगैरह चार्ज कर रहे हैं। सो गाइस अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और आगे का कैसा रहता है, किस तरीके का रहता है, सो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए। सुबह हो गई और सुबह ही दिलकु भाई सोए हैं, मैं जागने की कोशिश की और जाग भी गया। बाहर मौसम काफ़ी बढ़िया है। हमारे साथ हो गया क्या, हमें अम्बाला में उतारा नहीं गया और टिकट भी हमारी गाइस दिल्ली की काटी हुई है, तो फिर क्या करेंगे गाइस, दिल्ली ही जाना पड़ेगा और दिल्ली से ही सीधा बस पकड़ते हैं। कहाँ के लिए ये आपको सरप्राइज देगा, तो क्या बोलते दिलकु भाई? बिल्कुल गाइस, हम लोग इस वक्त पता नहीं कौन सी जगह पे, मैंने लोकेशन नहीं देखी, सीधा ही बाहर निकल चुके हैं और मैं तिलक भाई साथ में कुछ ले लिया है, जूस चिप्स एंड ऑल कुछ खाने के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ सफ़र रहता है, कैसा रहता है। तो गाइस ब्रेकफास्ट करके पहुँच गए, ऐसा है ज़्यादा कुछ रूम है अपना, ये देसी रूम है, देसी रूम है अंग्रेजी जिसमें एसी लगा हुआ है आपको। सो गाइस हम लोग पहुंचे दिल्ली और दिल्ली में एक भजन लगा हुआ है और ये भजन लगा के 10 रुपए लेके जाएगा मेरे को लगा। तेरे को वीडियो बना रही ओ मेरे साई देवा तेरा सब नाम मिलेवा, खुदा के निशान सारे सभी गए तुझको प्यारे, बड़ा ना कोई छोटा नहीं मायो सिलोटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी
रे मत का गिस्सा लो बहला हक बरी करेगा दो दिन के। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली और तिलक भाई सर। तिलक भाई कैसा रहा सफर यार? सफर बहुत आरामदायक रहा। स्लीपर बस में पहली बार बैठा हूं लेकिन आनंद आ गया गाइस। सफर काफी बढ़िया था और सच बोलूं काफी रेस्ट हुआ। अभी पहुंचे हम दिल्ली लाल किला के सामने और लाल किले का व्यू दिखा देगा इस है लाल किला और आई डोंट नो कि कैसा दिख रहा है। वाओ गाइस ये है दिल्ली का लाल किला और मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो चूना लगाना चाहते हैं तो यहाँ बैठते हैं गाइस सोचते हैं और आगे का सफर मैं बोलूँ सच में गाइस तो मेरे को पता ही नहीं है सफर कहाँ है कैसे ना रास्ते का पता। चलो देखते हैं मैप शैप उसके बाद। तो दोस्तों मैं इस वक्त दिल्ली में और दिल्ली में मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। यहाँ पे एक्चुअली ये सारी गाड़ियाँ लगी हैं छोटी जो भी कार पार्किंग है यहाँ पे होती है और मैं और तिलक भाई इन्जॉय कर रहे हैं। हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोई बोलता है ये करो वो करो वो करो हम किसी की नहीं सुन रहे शर्म की तरह। मुझे पता लगा कि ट्रेन जा रही है हमारी कहाँ से दिल्ली से और फिलहाल जाते हैं हम ट्रेन में सफर। गाइस ये चांदनी चौक दिल्ली। तो गाइस अभी हम लोग दिल्ली में ही भटक रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ से बस मिलेगी कहाँ से ट्रेन मिलेगी कोई समझ नहीं आ रही ना बुकिंग है ना कुछ। फिलहाल आपको दिल्ली के नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइस अभी भी हम दिल्ली में भटक रहे हैं और ऑटो वाले ने घुमाया घुमाया और घुमा के हमें छोड़ दिया। दिल्ली भी देख ली लिफ्ट के मज़े लो इसके। तो गाइस एक ही सुजेशन है कि बिना सलाह बिना इंफॉर्मेशन आप ना आएँ और ऐसे ही भटकते रहोगे हमारी तरह। चलो हम तो ऐसे भी इंजॉय करते हैं हर टाइम को। गाइस फाइनली ये बस मिली है और ये भी हमें कंप्लीट नहीं पहुंचाएगी 40 मिनट पीछे। इस बस में करेंगे आप गाइस सफर। हम लोग इस वक्त हल्द्वानी और हल्द्वानी में फिलहाल कुछ खाएंगे पेट पूजा करेंगे और यहाँ से बस तो नहीं है टैक्सी मिल रही है 500 रुपये में टैक्सी। तिलक भाई क्या कर बोलते जाना है? मेरे को तो लगता है कि जाना चाहिए नहीं तो हमें सुबह का वेट करना पड़ेगा। सुबह भी बस में जाना पड़ेगा उसमें भी तकरीबन 150 रुपये पर पर्सन के। तो गाइस हमें पड़ रही है 300 रुपये एक्स्ट्रा क्या करें जाना तो पड़ेगा। हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग खाना खा के यहाँ से हमने पकड़ लिया टैक्सी। भाई टैक्सी वाला गया कोई और सवारियाँ ढूंढने तब तक मैं और तिलक भाई गप लगा लेते हैं। तिलक भाई कैसा रहा आज का पूरा मतलब सफ़र? सफ़र बहुत बढ़िया था सफ़र सुबह से आरामदायक था।
फाइनली पहुंच के बाबा के धाम। ये कुछ रास्ता है और ये साथ में है नदी और ये बाबा जी का आश्रम और यहाँ पे हो रहे हैं भजन।